ओपन अ बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप यूज करके आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हजारों बिजनेसमैन इस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप भी अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जानते हैं मार्क जुकरबर्ग की सक्सेस स्टोरी। फेसबुक और जुकरबर्ग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची से हो गए हैं। मार्क एलियट जुकरबर्ग एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंटरनेट उद्यमी है। उनका जन्म 14 मई 1984 व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका लाया हुआ फेसबुक इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया में क्रांति ले आया है। इनके पिता एडवर्ड एक दंत चिकित्सक हैं और माँ करीन एक मनोचिकित्सक हैं। वह आज फेसबुक के सीईओ, मुख्य कार्यकारी तथा सह संस्थापक भी हैं। 2015 में उनकी निजी संपत्ति $86 अरब होने का अनुमान लगाया गया था। एक छोटे से हॉस्टल के कमरे से लाजवाब सफर शुरू किया था। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग के दीवाने कहाँ वकालत पढ़ते, सो अपने पिता से प्रोग्रामिंग सीखने की फरमाइश की। उनके घर में ही एक अच्छे प्रोग्रामर उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए आने लगे। इसी दौरान उन्हें पापा से ऑनलाइन बात करके एक सॉफ्टवेयर बनाया और फिर उनकी प्रोग्रामिंग ने फेसबुक को जन्म दिया। 19 साल 7 महीने 6 दिन के जब उन्होंने thefacebook.com के नाम से यह प्रोग्राम चलाया, जिसे बदलकर फेसबुक कर दिया गया। आज यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। द हैकर वे के प्रसिद्ध आर्टिकल में उन्होंने बताया था, किसी भी वेबसाइट के बारे में बेहतर जानकारियां प्राप्त करने के लिए हैकिंग एक अच्छा माध्यम है। इसी माध्यम से फेसबुक को काफी फायदा हुआ है। मानवता और समानता को बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी और उन्होंने मिलकर अपनी संपत्ति का भाग दान कर दिया था। 1 दिसंबर 2015 को उन्होंने यह घोषित किया था कि वे अपने 99% फेसबुक शेयर्स, जो कि तकरीबन $45 बिलियन बनते हैं, उसे चैन जुकरबर्ग की अगुवाई में दे देंगे। मार्क के 3 साथी स्टूडेंट ने वेबसाइट का नाम हार्वर्ड कनेक्शन रखने का सुझाव दिया था। वे चाहते थे कि हार्वर्ड के स्टूडेंट आपस में संपर्क कर सके और जुड़े रहें। बस इसी से उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसके जरिए दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोग आपस में बात कर सकें और अपनी फोटो वीडियोस आदि शेयर कर सकें। जुकरबर्ग ने अपने हार्वर्ड छात्रालय के कमरे से 4 फरवरी 2004 को फेसबुक को शुरू किया था। कमरे में फेसबुक हार्वर्ड थिंग शुरू किया। फिर जुकरबर्ग ने फेसबुक को अन्य स्कूलों में प्रसार करने का विचार किया और डस्टिन मोस्कोविट्स की मदद से सर्व समर्थन ले लिया। उन्होंने पहले स्टैनफोर्ड, डार्टमाउथ, कोलंबिया, कॉर्नेल और येल में प्रसारित किया और साथ ही हार्वर्ड के सामाजिक संपर्कों के साथ अन्य स्कूलों में भी प्रसार किया। 5 सितंबर 2006 को फेसबुक ने न्यूज फीड शुरू किया और साथ ही अपने मित्र साइट पे क्या देख रहे हैं यह देखने का जरिया बनाया। फेसबुक INC अमेरिकी मल्टीनेशनल इंटरनेट कॉरपोरेशन है। यह इसकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक चलाता है। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में है। फरवरी 2004 में शुरू हुई फेसबुक ज्यादा पुरानी नहीं है, फिर भी संसार की दूसरी सबसे बिजी वेबसाइट है। विज्ञापनों के जरिए आमदनी करती है। 2011 में इसमें 3,539 कर्मचारी काम करते थे और 15 देशों में इसके कार्यालय थे। गूगल के बाद सबसे व्यस्त वेबसाइट संसार की यही है। आंकड़े बताते हैं कि लोग हर महीने इस पर 700 अरब मिनट से भी अधिक समय बिताते हैं। 2010 में इसने एशिया में अपना पहला ऑफिस हैदराबाद में खोला था। 2012 में फेसबुक के 90 करोड़ सक्रिय सदस्य थे, जिसमें से अधिकतर मोबाइल के जरिए फेसबुक से जुड़े हैं। 2011 में भारत में इसके 2.3 करोड़ सदस्य थे। fb.com डोमेन को $85 लाख में खरीद लिया। फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बड़ी कि द सोशल नेटवर्क नाम की फिल्म तक बना दी। 2010 में टाइम्स पत्रिका ने इनके नाम को दुनिया के सबसे अमीर एवं प्रतिभावान 100 व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था। वे टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।